ठीक है, आपको वेलकम करता है जी फैक्ट्री में आने के लिए। थोड़ा सा फॉलो कीजिए। तो बोलते ना पोड़ी है, क्या बोलते पोड़ी है ना नजदीक है, पुड़ैया 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 आपको वेलकम करता है फैक्ट्री में आने के लिए। पूरा वर्ल्ड का क्रिकेट जो है ये दुनिया में एक झाड़ की वजह से है। ये झाड़ जो है ये पूरा वर्ल्ड के अंदर दो जगह उगता है। ये झाड़ एक इंग्लैंड है कश्मीर, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है इधर देख रहा है, ठीक टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इंग्लैंड में भी है, उधर भी यही झाड़ उगता है। तो क्रिकेट सारा सचिन धोनी क्रिस गेल रिकी पॉन्टिंग विराट कोहली सब लोग ये झाड़ की वजह से है। अगर ये झाड़ नहीं होता वो तो होते पता नहीं गली डंडा खेलते हुए क्या करते होंगे, या वड़ा पाव बेचते, या वड़ा पाव कुछ भी कर सकते। तो ये झाड़ का नाम बिल्लो झाड़ है, बिल्लो WILLOW बिल्लो बिल्लो झाड़ का नाम है। ये फैक्ट्री के अंदर एक झाड़ है, ये येलो ग्रीन पत्ता छोटा टेढ़ा, ये झाड़ आपको याद रखो पता है। आप अभी जा रहे हो ना, पहलगाम जा रहे हो आप, श्रीनगर जा रहे हो, श्रीनगर जा रहे हो, रोड के दोनों साइड आपको मिल जाएगा बहुत सा पेड़ है। तो बिल्लो का झाड़ जब लगाते हैं यहाँ का लोग 15 से 20 साल के दरमियान काटने का भी रहता है, स्लो ग्रो होता है इसका, काटते हैं ये हमने सुखाने को रखा है, तकरीबन 6 महीने का टाइम चाहिए पूरा मॉइस्चर निकल जाने के लिए। एक बार पूरा मॉइस्चर निकल जाए फिर हम ये बीशेप निकालते हैं और हैंडल का जॉइंट मारते हैं, हैंडल का जॉइंट हम फेविकोल से मारते हैं, फेविकोल समझे ना, ग्लू फेविकोल लगाने के बाद हम इसको लोहे में कस देते हैं कि गैप ना आ जाए। कभी कभार मैच के दौरान आपने देखा होगा हैंडल हाथ में आ जाता, कभी आपने देखा ऐसा मैच, बोला देखा है, कभी भी ऐसा होते हुए देखो आप समझ लेना वो इंग्लैंड का बैट है, हमारा नहीं नहीं उतरे वाले बोलते इनका बैट होगा। अच्छा ये जो हैंडल है ये बांबू का रहता है, बांबू समझ ना, बांबू बोलेंगे, बांस बोलेंगे या केन बोलेंगे, बांबू में लचक होता है, लचक बढ़ाने के लिए हमने रबर डाला हुआ। मैच के दौरान आप देखते हैं बाल तो बहुत जोर से आता है, लेकिन हल्का सा पुश करने से बाल निकल जाता है। तो ये बांबू जो क्या करता है थोड़ा लचक मारता है, शॉक अब्जॉर्ब हो जाता है और शॉट दुगना तिगना हो जाता है, ठीक। तो ये अगर ये लचक नहीं मारेगा तो करंट लगता है हाथ में, सबको इतना तजुर्बा है, बिल्कुल चपकने से करंट लगता है, मगर ये बांबू ऐसा है जो शॉक अब्जॉर्ब करता है, ठीक। ये आसाम सिंगापुर अंडमान निकोबार से मंगाते हैं, ये लोकल में नहीं होता। अगर यहाँ का आप देखेंगे इंडिया का बांबू वो अंदर से हालो रहता है, ये बंद रहता है, ये कुछ खास किस्म का बांबू है, पुलिस वाले भी यही बांबू का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड का अगर बात करें, वुड जो है ये आप अगर मार्केट में जाएंगे बैट खरीदने जाएंगे आपको 200 से लेकर बड़ा बैट 60,000 रुपये तक मिल जाएगा, 200, 800, 1000, 10,000, 15, 20 वो सब ग्रेडिंग कैसे होता है, वो लाइनिंग से जितना अच्छा वुड के अंदर लाइनिंग निकलेगा, ग्रेनिट बोलते ग्रेनिट इसको, ग्रेनिट जितना अच्छा होएगा उतना माना जाएगा पूरा मैच्योर पेड़ है, 100 साल का पेड़ भी हो सकता है, ठीक। तो ये पेड़ क्या करता है, एक साल में एक लेयर चढ़ाता है, एक लाइन आ जाता है, जितना पुराना उतना लाइन ज़्यादा, उतना मैच्योर ज़्यादा उतना माना जाएगा ये पेड़ के अंदर, ये बैट के अंदर बाउंस ज़्यादा होगा, बाल धकेलने का ताकत बहुत ज़्यादा होगा इसको। ये विल्लो में ही खूबी ऐसा है, नहीं तो हर जगह पेड़ है, आपके उधर ये पेड़ है अलग अलग, इधर भी अलग अलग पेड़ है, लेकिन जब हम उसको कंप्रेशन उसको दबाते हैं सीजनिंग के दौरान मशीन से निकलना पड़ता है, अभी अब आप जो प्रैक्टिकल देखेंगे उधर पूरा प्रेशर कर देते हैं, ये पेड़ क्या कर, ये वुड क्या करता है, ये दब भी जाता है थोड़ा वापस भी आता है, इसमें बाउंस है ये वुड के अंदर, बाकी कोई भी वुड हो वो दबता ही रहेगा फट जाएगा, ये दब भी जाता है थोड़ा वापस भी आता है, तो ये बाल लगते ही फटाफट उससे वापस रिबाउंड कर देता है, ठीक। यही कारण है कि बिल्लो यूज होता है पूरा दुनिया में क्रिकेट के लिए। तो इसका एक स्टैंडर्ड साइज रहता है बैट के अंदर, 33 इंच लंबा हो बैट, इंटरनेशनल साइज 33, 4.25 इंच के चौड़ाई के अंदर अंदर हो, 1.5 इंच के मोटाई के अंदर अंदर हो, वेट का कोई साइज मतलब वो नहीं रिस्ट्रिक्शन, जब मर्जी जो ले जाए, ठीक। तो ये थोड़ा मोटा मोटा बात था, कोई आपका क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं हमारे साथ।
कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा हो आप बोल देते। कितना साल पुराना है झाड़? अभी ग्रेनेड के हिसाब से लगता है 70-80 साल का पेड़ होएगा जो काटा है। पूरा एक जनरेशन देखता है ये पेड़। गर्म पानी तब जाके ये नरम हो जाता है, अगर गर्म पानी ना लगाएंगे तो ये फट जाता है। ये प्रेस नहीं पकड़ेगा, इतना प्रेस किया ये वापस आएगा, तब जाके छोटो गिर गए। इसकी खासियत है दिलों की। इसे बैठ में जान आती है, जैसे इंसान के जिसमें खून का काम है ऐसा ही प्रेस का काम है बैट में। प्रेस तो बैट में तो बॉल नहीं निकलेगी, बॉल दब जाएगी। जब प्रेस होगा तो बॉल ऐसी तरीके निकलेगा, पॉइंट भी निकलेगा अच्छा, और बॉल भी नहीं दबेगी। हाँ, ये इसकी खासियत है। और इसको पहले गर्म पानी देना पड़ता है तब जाके नरम होगा। अगर गर्म पानी ना देंगे तो ये फट जाएगा। अगर निशान पे होगा तो वो भी कंप्लीट होता है टीम इसी के साथ। ये है टेनिस का, और जो सीजन का होता है जिसे मानो क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं उसको 8 बार लगाने पड़ते हैं इधर उधर। 8 बार? हाँ, 8 बार 8 राउंड लगाने पड़ते हैं। वो मानो 2-3-4 फुट नीचे होना चाहिए बैट कंप्रेस से, फिर उसको ऑयलिंग करनी पड़ती है। इसके ग्रेनेड हो गए वो भी निकल जाते हैं। Gracias.